दोस्तों, किसी भी इच्छा को पूरा करना दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला आप पर, मतलब आपके माइंड पर, और दूसरा विश्वास, आप अपने आप पर, अपने ईश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। ये दोनों बातें उतनी ही सच हैं जितना कि चांद और सूरज। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टेज या तरीका बताने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है, मतलब आपके मन की किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सक्षम है। आपका स्वागत है ब्लेस्ड सूत्रा में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप यहाँ वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। दुनिया में किसी भी इच्छा को पाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी वो इच्छा सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाए, और उसके बाद आप अपने आप पर पूरा विश्वास करते हो कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। अगर ये दोनों बातें आप अपना लेते हैं तो अब आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे अपनी इच्छा को अपने मन में स्थिर कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टेबल हो जाए। नेविल गोडार्ड ने अक्सर अपनी कई स्पीच में एक टेक्निक का जिक्र किया है जिसे स्लीप लाइक स्टेट, मतलब नींद जैसी स्टेट के बारे में बताया है। यह एक मैनिफेस्टिंग तकनीक है जिसे SATS सेट्स कहा जाता है, जिससे आपकी इच्छा आपके माइंड में पॉजिटिव रूप से स्टेबल हो जाती है। मतलब एक हिप्नोटाइज स्लीप स्टेट है, एक ऐसी नींद जिसमें आप आधे सोए और आधे जागे होते हैं। इस स्टेज में आपका लॉजिकल माइंड, मतलब चेतन मन, शट डाउन हो जाता है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपके लिए मैनिफेस्टेशन की सभी संभावनाओं के डोर्स खोल देता है। इसलिए इस तकनीक का यूज करते समय लॉजिकल या कॉन्शियस माइंड हमें उस चीज से, उस इच्छा या लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता जिसे हम पाना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक नेचुरल तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का और अपनी इच्छा को विजुलाइजेशन और भावना का यूज करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने का। जब आप इस प्रोसेस का यूज करते हैं तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक परमानेंट इम्प्रेशन बन जाता है। और जैसे ही इम्प्रेशन बनता है, आपकी इच्छा का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से बनने लगता है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं को प्रकट करने का काम और तेजी से करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के लिए आपको हर रात अपनी कल्पना का उपयोग करना है। ऐसी अवस्था में आप आधे सोए होते हैं और आधे जागे, लेकिन सोने के बहुत करीब होते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड में जाने का एक ऐसा एंट्रेंस है जहाँ से आप अपनी रियलिटी बनाने के सारे रास्तों को ओपन करते हैं जबकि आपका शरीर आराम कर रहा होता है। किसी भी इच्छा को प्रकट करने का पहला नियम है कि अट्रैक्शन को इंक्रीज करना। इसके लिए आपको हर रात इस टेक्निक को कम से कम 23 दिन तक करना है। स्लीप लाइक स्टेट में आपकी वाइब्रेशन एनर्जी अगले 22 दिनों में बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके बाद मैनिफेस्टेशन तेजी से काम करने लगता है और आपको इसके सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी इच्छा और लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ताकि पहली बार में ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन बन जाए। और इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने के लिए पहले आपको अपनी इच्छा को एक डायरी में लिख लेना है और एक ऐसी सिक्वेंस बनानी है जैसे कि कोई मूवी हो, जैसे कि आप किसी मूवी की स्क्रिप्ट बना रहे हो। मान लीजिए आपकी विश है कि मुझे 2024 तक करोड़पति बनना है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा आप किस काम के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। सेकंड चैप्टर है मोटिव, जिस बिजनेस के थ्रू, जिस काम के थ्रू आप करोड़पति बनना चाहते हैं उसका मोटिव क्या होगा। तीसरा चैप्टर, आपको अब उस काम के लिए जिससे आपको करोड़पति बनना है, उस काम के लिए आपको कुछ स्किल्स सीखने हैं ताकि आप उस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करा सकें। फोर्थ चैप्टर, आपके बिजनेस की सेल कितनी अच्छी हो रही है। और लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, आपकी पर डे कितनी इनकम हो रही है। अगर आप इस तरह से एक मूवी सीक्वेंस बना लेते हैं तो आपकी कोई भी विश जरूर पूरी होगी। इस सीक्वेंस में आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आप एक करोड़पति कैसे बन सकते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। जब आप अपने माइंड में इस मूवी सीक्वेंस को चलाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपकी एक्चुअल रियलिटी मानता है, क्योंकि अब आपका लॉजिकल माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता। अब आप सोने से ठीक 15 से 20 मिनट पहले इस सीक्वेंस को डेली रीड करें और उसके बाद अच्छे से विजुलाइज करें। और अब आपको विजुलाइज करते समय सीन क्रिएट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्यूचर आप बना चुके हैं। आपको विजुलाइजेशन का टाइम कम से कम 15 से 20 मिनट के बीच रखना है, और जितना ज़्यादा आप टाइम बढ़ा सकते हैं उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको विजुलाइजेशन की सीक्वेंस पता हो। तो जो आपने सीक्वेंस बनाया है उसे सोने से पहले
डेली रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको विजुअलाइजेशन करने के बाद जागना नहीं है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि अगर आप विजुअलाइजेशन करने के बाद जाग जाते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाएगा, जो आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को आपको यह पहचान करानी होगी कि कब आपकी इच्छा को फाइनल रूप देना है। अपने फोन में एक कोलाज बना लें जो आपकी इच्छाओं से और आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो, जिससे आपको अपनी इच्छाएं और अपना लक्ष्य क्लियर दिखाई दे सके। यह प्रोसेस आपको बताता है कि आप अपनी इच्छाओं को क्यों और कैसे चाहते हैं। फिर अपनी इच्छा को प्रकट होते देखें। जितना अधिक आप अपने चेतन मन में मूवी को दोहराते हैं, उतना ही डीप इम्प्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बन जाएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी सफलता की संभावना को बेहतर बनाने के लिए उठते ही दोबारा विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। सुबह आपकी दिमाग की गतिविधि थीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगेंगी, और शिफ्ट होने के दौरान अपनी सभी इच्छाओं को 5 मिनट तक विजुअलाइज करें, जब तक आप पूरी तरह से जाग न जाएं। जितना अधिक आप संभावनाओं की सराहना करेंगे, उतना ही आप अपने दिमाग को प्रभावित करेंगे। अपने विजुअलाइजेशन तकनीक में भावनाओं को शामिल करें। याद रखें कि भावना ही रहस्य है। देखिए, जब आप एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन करते हैं तो उससे आपका कॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन को होने से रोकने के लिए संदेह, चिंता और भय पैदा करता है। अधिकांश इच्छाएं कुछ लोगों के लिए भौतिक नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह संभव है। इसलिए अगर आप इस प्रोसेस का यूज करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन एक हाई फ्रिक्वेंसी में बदल जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक एक्यूरेट इंप्रेशन मिल जाता है, जिससे आपकी इच्छा रियलिटी में बहुत ही कम समय में बदल जाती है। नेविल गोडार्ड ने जिस नींद जैसी स्थिति के बारे में बात की है, वह आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए एक परखा हुआ उपयोगी तरीका है। लास्ट नियम है, आपको डेली अपने विश को पूरा करने से पहले पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को थैंक्स बोलना है और आभार व्यक्त करना है, और इसे आप जितना विश्वास के साथ करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी विश आपको मिल सकती है। भगवान ने हमें असीमित शक्ति दी है और हमें केवल यह जानना है कि इसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे आशा है कि ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू गाइस।